Hello kiddies, how are you all? Today we do the chapter number 3, the wedding of Ellen Adele. So let me start now. So as usual, if you have the books, you can open it. Otherwise, you can see on the screen. One day when Robin was walking through the forest, he met a young knight. The knight held his head erect and sang a merry song as he walked. Robin wondered who the knight could be. एक दिन जब रॉबिन जंगल से गुजर रहा था, उसकी मुलाकात एक यंग सूरवीर से, यानी कि एक योद्धा टाइप जो होता है उसको नाइट बोलते हैं, से हुई। सूरवीर ने अपना सिर सीधा रखा और चलते चलते एक आनंदमय गीत, मतलब बहुत ही मनमोहक गीत वो अपने आप में गा रहा था। जैसे हम किसी को देखते नहीं ना, सिर को बिल्कुल एकदम स्ट्रेट करके वो चलता रहा, उसने इधर इधर नहीं देखा, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखा और वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था। रॉबिन हुड को आश्चर्य हुआ कि ये सूरवीर कौन है, ऐसा व्यक्ति जिसे उसने पहले कभी भी इन जंगलों में नहीं देखा था। But he did not stop him as he had other business that morning. The next day, Little John and Much, the tallest and the shortest of Robin Hood's band, went for a walk together. लेकिन उसने उसे नहीं रोका क्योंकि सुबह उसका कोई दूसरा काम था। अगले दिन रॉबिन हुड के बैंड के सबसे बड़े और सबसे छोटे लिटिल जॉन और मंच एक साथ घूमने गए। As they walked along, they met the same knight that Robin had seen the day before. But how different he looked now! जैसे जैसे वे साथ चल रहे थे, वे उसी सूरवीर से मिले जिसे रॉबिन ने एक दिन पहले देखा था, लेकिन अब कितना अलग लग रहा था वो देखने में। Today his head hung down and he moved his feet as if they were made of lead. आज उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके पैरों को वो अपने पैरों को ऐसे हिला रहा था जैसे कि वो शीशे के बने थे। He was so sad that he did not see Little John and Much until they were close upon him. Seizing him by the arms, they led him before Robin Hood. Robin bowed to him and welcomed him to the greenwood. He asked if the stranger had any money to spare for Robin Hood and his merry men. But the knight was poor. Robin asked him to sit down and tell him why he was so sad. So the poor young man told Robin Hood his tale. क्योंकि आज जब उन्होंने उसको देखा तो उसका सर नीचे झुका हुआ था और उसने अपने पैरों को ऐसे हिलाया जैसे वो शीशे के बने थे। वह इतना दुखी था कि उसने लिटिल जॉन और बहुत कुछ तब तक नहीं देखा जब तक कि वे उसके करीब नहीं थे। जैसे बोलते हैं ना कि उसने दूसरों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वे उसे बाहों में पकड़ रॉबिन हुड के सामने ले गए। रॉबिन ने उन्हें प्रणाम किया और ग्रीन वुड में उसका स्वागत किया। उसने पूछा कि क्या उस अजनबी के पास रॉबिन हुड और उसके मैरी ग्रुप के लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन उस नाइट ने सूरवीर, क्योंकि वो गरीब था, रॉबिन ने उसे बैठने के लिए कहा और बताया कि वह कितना दुखी था। तो बेचारे युवक ने रॉबिन हुड को अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने क्या कहा? My name is Ellen Adele, he said. 7 years ago, I fell in love with a beautiful lady. She loved me too and we were happy. But her father did not agree to our match and was very angry. I was poor and he said we were too young to marry. He promised that if we would wait 7 years, and a day we should then be married. Then the 7 years are over and yesterday should have been our wedding day. I went to claim my bride, but as her father said, his daughter was not for such a poor man as I.
Tomorrow she is to be married to another man. He is old and ugly, but he has a great deal of money. This is why I am so sad. तो उसने इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि मेरा नाम एलन ए डेले है डेल है। उन्होंने कहा 7 साल पहले एक खूबसूरत महिला से उन्हें प्यार हो गया था, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। हम बहुत खुश थे लेकिन उसके पिता हमारी बात नहीं मानना चाहते थे और वो हमारे इस मैच से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि मैं गरीब था। और उन्होंने बहाना लगा दिया एक तरह के, शादी के लिए अभी आप बहुत छोटे हो। उन्होंने वादा किया कि अगर आप 7 साल तक रुक जाओ एक दिन फिर हम आप लोगों की शादी करवा देंगे, मतलब कि जब आप 7 साल के बाद आना तब हम आपकी अपनी बेटी के साथ शादी करवा देंगे। और कल वो उन्हें जाना था क्योंकि कल हमारे 7 साल पूरे हो गए थे और मैं अपनी दुल्हन को लेने जाने वाला था, लेकिन अफसोस उसके पिता ने कहा कि उसकी बेटी ऐसे गरीब आदमी के साथ मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। कल उसकी शादी किसी दूसरे आदमी से होनी है। वह एक बूढ़ा और बदसूरत आदमी है लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए मैं दुखी हूँ। Then poor Alan Adele dropped his head in his hands and groaned aloud. फिर Alan Adele ने अपना हेड रॉबिन हुड के हाथों में डाल दिया और रोने लग गया। नी नो नो रॉबिन कंसोल्ड हिम, डू नॉट ग्रीव सो। A maiden who thus changes her mind is not worth so much sorrow. नहीं, रॉबिन ने उसे सांत्वना दी, उसे समझाया कि ऐसा शॉक्ड मत करो, इतना ज्यादा मत दुखी हो। एक युवती जो इस प्रकार अपना मन बदल लेती है वह इतने दुख के लायक नहीं है। एलन एडेले शॉक्ड हिज हेड एंड साइटेड As she loves me still, it is her father who forced her to marry this old man. I have no gold, but if you bring my true love back to me, I swear to serve you faithfully forever. Alan Adele ने अपना सिर हिलाया और एक आह भरी और उसने कहा कि नहीं, वो अभी भी मुझे प्यार करती है। वह उसके पिता हैं जो उस बूढ़े आदमी से उसको शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। मेरे पास सोना नहीं है लेकिन अगर आप मेरा सच्चा प्यार मेरे पास वापस ले आओगे तो मैं कसम खाता हूँ कि हमेशा के लिए आपकी ईमानदारी के साथ सेवा करूँगा। रॉबिन थम्ड एलन ऑन द शोल्डर एंड सेड चीयर अप, टुमोरो विल बी योर वेडिंग डे। Then he asked how far it was to the church where this wedding was to take place. Alan told him it was to be at Delhi Abbey, about 5 miles away. तो रॉबिन ने एलन के कंधे पर एक हाथ की तरह, जैसे हम हाथ को थपथपा देते हैं, उस तरह किया और बोला कि अभी आप चीयर्स हो जाओ, आप खुश हो जाओ, कल तुम्हारी शादी का दिन होगा। फिर उसने पूछा कि यह चर्च कितनी दूर है जहां पर वो शादी होनी है। एलन ने उन्हें बताया कि यह लगभग 5 मील दूर डेले एबे में है। द नेक्स्ट मॉर्निंग रॉबिन हुड रोज अर्ली, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक एंड ओल्ड हार्पर एंड टेकिंग ए हार्प सेट ऑफ फॉर डेले एबे, ही लेफ्ट ऑर्डर विद लिटल जॉन दैट He was to bring 24 good men, Firetuck and Alan Adele. सुबह रॉबिन जल्दी उठ गया, उसने कपड़े पहने, एक पुराने हार्पर की तरह और वीणा बजाते हुए सेट किया अपने आप को एक एलन डेबे की तरह। उन्होंने लिटल जॉन के को आदेश दिया कि तुम जाओ और मेरे लिए अच्छे से 24 आदमी एक का एक ग्रुप तैयार करो जिसमें फायर टक एंड एलन एडेले भी हो।
When Robin Hood arrived at the door of the abbey, he met the bishop of Hereford, who was ready to marry poor Lady Christabel to an old knight. जब भी रॉबिन हुड एबे के दरवाजे पर पहुंचा तो वो वहां पे एक बिशप पादरी जो शादी करवाते हैं उनसे मिला, वो जो कि रेडी था क्रिस्टाबेल की शादी उस ओल्ड बंदे के साथ करवाने के लिए. What do you want? asked the bishop. तुम्हें क्या चाहिए? उस बिशप ने बोला. Robin replied, I am a minstrel. I have come to see the wedding. Afterward, I can make a song about it. Minstrel होता है a medieval singer or musician. जो जैसे हम शादी में कोई song वगैरह सुनाते हैं उनको बोलते हैं कि मैं यहाँ शादी में आया हूँ, बाद में मैं आपको शादी के ऊपर एक song सुनाऊंगा. The bishop said, I love the sound of the harp. You can play some sweet music to us. तो bishop ने बोला कि हाँ, मुझे ये आवाज़ वीणा की बहुत ही प्यारी लगी और तुम शादी के बाद अपना ये प्यारा सा म्यूजिक हमारे लिए सुनाना. I should like to see the bridal and bridegroom first before I play my music, replied Robin. Robin ने कहा कि मैं अपना म्यूजिक स्टार्ट करने से पहले दूल्हा और दुल्हन को देखना चाहता हूँ. Soon the wedding guests begin to arrive. जल्दी ही वेडिंग के लिए जो गेस्ट आने थे वो आने स्टार्ट हो गए. Robin watched them whispering to each other. Robin ने देखा कि वो आपस में गुपचुप से बातें कर रहे हैं, whispering कर रहे हैं. From all he heard, he learned that everyone in the church was sorry for poor Christabel. उन्होंने देखा कि चर्च में हर कोई क्रिस्टाबेल के लिए दुखी था. At last the bridegroom came hobbling up the aisle. He was old and ugly indeed. जल्दी ही दूल्हा आया और वो बहुत ही ज़्यादा फर्क था उन दोनों में, क्योंकि वो एक पेजेस बिटवीन रो ऑफ सीट्स में जाकर बैठ गया, क्योंकि वो एक बहुत ही अगली और बूढ़े टाइप का और भद्दा इंसान लग रहा था, जो कि उम्र में भी क्रिस्टाबेला से बहुत ज्यादा बड़ा था. सडनली देयर वॉज अ लिटल स्टिर. स्टिर होता है अ स्लाइट फिजिकली मूवमेंट हेयर. जल्दी ही वहां पे एक हिलजुल हुई. एट द ग्रेट वेस्ट डोर ऑफ द एबे ऑल हेड्स टर्न. सभी ने टर्न करके देखा. द ब्राइड हैड अराइव्ड. के दुल्हन आ चुकी है. ए साइट ऑफ एडमायरेशन पास थ्रू द क्राउड. सभी क्राउड ने, जो भी वहां पे गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने दुल्हन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए. शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी. विद स्लो एंड स्लेटली स्टेप्स शी कम. धीरे धीरे वो बहुत अपसेट मूड में चली आ रही थी. लीनिंग ऑन हर फादर्स आर्म. उनके पापा ने, उनके फादर ने उनको अपनी आर्म्स में लिया हुआ था. बट हर फेस वॉज सैड एंड हर आईज कास्ट डाउन. उनकी आंखें झुकी हुई थी, चेहरे पर एक दुख था. बिहाइंड हर केम द लिटल चार बॉयज ड्रेस्ड इन रेड एंड वाइट. पीछे शादी के गीत बजा रहे थे छोटे लड़के. एंड सिंगिंग अ स्वीट ब्राइडल सॉन्ग. दे रीच द आल्टर एंड द बिशॉप ओपन हिज बुक टू बिगिन द सर्विस. जैसे ही वो आल्टर पर आके रुके, बिशॉप पादरी ने अपनी बुक खोली और अपनी सर्विस देनी स्टार्ट कर दी. एट दैट मोमेंट रॉबिन स्प्रैंग फ्रॉम बिहाइंड द पिलर एंड स्टूड बिसाइड द ब्राइड. जल्दी ही रॉबिन पीछे से आया, पिलर के पीछे से आया और आकर दुल्हन के पीछे खड़ा हो गया. स्टॉप ही क्राइड. आई डू नॉट लाइक दिस वेडिंग. इस सबको रोक दो, मुझे ये वेडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है. द ब्राइड रूम इज टू ओल्ड एंड अगली फॉर सच अ लवली ब्राइड. इतनी सुंदर दुल्हन के लिए ये भद्दा और अगली सा दूल्हा बिल्कुल भी सही नहीं है. औरतें चिल्लाई और पूरा चर्च भी में हंगामा हो गया. Who
आर यू दैट दस डिस्टर्ब द पीस ऑफ अवर होली सर्विस, आस्क द बिशॉप. बिशॉप ने कहा, आप कौन हो जो हमारी पवित्र सेवा की शांति भंग कर रहे हो. आई एम रॉबिन हुड, रिप्लाइड ही. उसने जवाब दिया, मैं रॉबिन हुड हूँ. थ्रोइंग ऑफ हिज डिस्गस्टिंग एंड पुटिंग हिज हॉर्न टू हिज लिप्स, when they heard that everyone stopped screaming and came forward, tried to catch sight of the wonderful man of whom they had heard so much, then 24 young men along with Elena Daly came and stood inside the church. मैं रॉबिन हुड हूँ, उसने उत्तर दिया. अपना भेस जो उन्होंने बनाया हुआ था उसको उतार कर फेंक दिया और अपना वायलिन अपने होंठों पर रख दिया. जब उन्होंने यह सुना तो हर किसी ने चिल्लाना बंद कर दिया और आगे आ गया. और वो सभी उस अद्भुत व्यक्ति को देखने की कोशिश कर रहे थे जिसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था. तब एलन एडेले के साथ वह 24 युवक आए और चर्च के अंदर खड़े हो गए. लेट द लेडी चूज फ्रॉम ऑल दीज फाइन मैन हुम शी विल मैरी, सेड रॉबिन हुड. रॉबिन हुड ने कहा कि इस महिला को इन सभी अच्छे पुरुषों में से चुनने दें जिससे भी वह शादी करेगी वो खुश रहेगी. लेडी क्रिस्टाबेल रेज्ड हर आईज एंड सॉ दैट एलन एडेले वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर. शी पुट आउट हर हैंड टिमिडली एंड स्लिप्ड इट इन टू हिज. लेडी क्रिस्टाबेल ने आंखें उठाई और देखा कि एलन एडेल उसकी बगल में ही खड़ा था. उसने उसे बाहर रखा और जल्दी से उसने उसका हाथ पकड़ लिया. नाउ सेड रॉबिन, द लेडी हैज चूजन, वी कैन हैव द वेडिंग. सर बिशॉप डू द ड्यूटी. तो जल्दी ही रॉबिन ने कहा कि इस लेडी ने अपने हस्बैंड को चुन लिया है और अभी आप बिशॉप होने के नाते अपनी ड्यूटी निभाइए. आई विल नॉट, सेड द बिशॉप. इट इज द लॉ दैट एवरी वन मस्ट बी asked in church three times before they can be married. Therefore, I will not. मैं नहीं करूँगा. बिशप ने कहा, यह कानून है कि हर चर्च में विवाह से पहले 3 बार पूछा जाता है. तो इसलिए मैं नहीं करूँगा. If you will not, we must get someone else. Said Robin. Come along, Friar Tuck. अगर आप नहीं करोगे तो हमें किसी और को लाना पड़ेगा. रॉबिन ने कहा, साथ आओ, आओ फ्रायर ट्रक. सो फ्रायर ट्रक पुट ऑन द बिशॉप्स फाइन गाउन एंड टुक हिज बिग बुक. एवरीवन लाफ्ड एज ही स्टेप्ड टू द रेल ऑफ द आल्टर, फॉर ही लुक्ड सो फैट एंड जॉली. तो फायर ट्रक ने बिशप का बढ़िया सा गाउन पहना और बड़ी किताब ली और उस शादी की पटरी पर कदम रखते ही हर कोई उस पर उसको देखकर हंसने लग गया क्योंकि फायर ट्रक एक बहुत ही मोटा और हसमुख लग रहा था. When he had finished, the people were glad for Christabel. जब ये सब कुछ समाप्त हो चुका था तो लोग क्रिस्टाबेल के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थे. क्रिस्टाबेल्स फादर वांट टू क्राई आउट एंड स्टॉप द वेडिंग. क्रिस्टाबेल के पिता जो कि बहुत जोर से चिल्लाना चाहते थे और इस शादी को स्टॉप करना चाहते थे, बट ही कुड नॉट, पर वो कर नहीं सके. बिकॉज टू ऑफ रॉबिन्स मैन हेल्ड हिम टाइट, क्योंकि रॉबिन के दो बंदों ने उन्हें बहुत टाइटली उनके हैंड्स को पकड़ा हुआ था और उनके मुंह को भी दबाया हुआ था कि ये चिल्ला ना पाए, कोई साउंड मेक ना कर पाए. सो क्रिस्टाबेल एंड एलन एडेले वर मैरिड एंड वेंट टू लिव विद रॉबिन हुड इन शेरवुड फॉरेस्ट. तो इस तरह क्रिस्टाबेल का और एलन एडेले दोनों की शादी हो गई और वो दोनों रॉबिन हुड के साथ रहने के लिए शेरवुड फॉरेस्ट में चले गए. द वेडिंग वॉज लॉन्ग टॉक्ड अबाउट. बहुत लंबे समय तक इस शादी की बातें लोगों में होती रही. The people who attended said it was the loveliest and the merriest wedding they had ever seen. इसमें शामिल होने वाले लोगों ने कहा कि यह सबसे प्यारी और सबसे शानदार शादी थी जिसे उन्होंने देखा. So kiddies, here we end the chapter 3. Next we will do the
चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।